हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सफ़र करने वाले हैं मोटरसाइकिल से, बाइक से सफ़र करेंगे। करीब करीब 150 किलोमीटर का सफ़र है। लखनऊ से जाएंगे सावाद, लखनऊ टू सावाद जाने वाले हैं बाइक से। दोस्तों, मैं अभी प्रेजेंट टाइम में अपने हॉस्टल रूम में हूँ, और पहले मैं आप लोगों को अपना हॉस्टल रूम दिखाता हूँ। पहले अपना रूम दिखा देते हैं, उसके बाद मैंने बैग पैक कर लिया अपना और मैं वेट कर रहा हूँ। 10 मिनट में दूसरा लड़का आ रहा है बाइक से, और उसी के साथ में जाने वाले, वो कॉलेज गया हुआ है, उसका पेपर था, 3:30 बजे छुट्टा है पेपर उसका, और वो आ रहा है अभी 10 मिनट में। जस्ट मैं उसी का वेट कर रहा हूँ बस। तब तक हम आप लोगों को अपना रूम दिखाते हैं और बैग अपना दिखा देते हैं। देखिए 1 मिनट दोस्तों, ये मेरा बैग रखा हुआ है, बैग में मैंने सब पैक कर लिया। आप लोगों को मैं बैग दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखिएगा, मैंने किताबें रख ली हैं और टैबलेट भी इसी में रख लिया। ये देखिएगा, टैबलेट भी बैग में रखा हुआ है, ये टैबलेट भी इसी में रख लेता हूँ। अरे चार्जर रह गया, इसको भी रख लूँ। चलो अभी बाद में रख लेते हैं। चार्जर ईयरफोन वो पड़ा है उधर, चार्ज हो रहा है तब तक। और इधर मैं रूम दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कपड़े भी सारे इसमें पैक कर लिए मैंने। 4-5 दिन घर पे रुकना है, सब सारे कपड़े पैक हो गए। और मैं अपना रूम दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिएगा ये रूम है। इधर लैपटॉप रखा हुआ है, और ये रूम की हालत देखिएगा। ये देखिएगा, रूम फ्रेशनर भी रखा हुआ है, और ये किताबें रखी हुई हैं इधर। ये बैग रखा हुआ है, ट्रॉली बैग है। ये गैस सिलेंडर रखा हुआ है। ये देखिएगा कितनी हालत बुरी हो चुकी है रूम की। इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसीलिए रूम में सफाई नहीं की जाती है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, बहुत गंदा पड़ा हुआ है हमारा रूम। ये देखिए, सब हॉस्टल की यही कंडीशन रहती है। ये देखिएगा, इधर सब कचरा पड़ा हुआ है। ये ऊपर का है दोस्तों। आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसीलिए रूम में सफाई नहीं हुई है कई दिन से, और हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं इस समय, टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अब हम लोग जा रहे हैं घर, घर से आने के बाद रूम को साफ़ किया जाएगा। ये बर्थडे मनाया गया था, वही लगा हुआ है। ये देखिएगा, अरे बिस्तर हम लोगों का, देखिएगा ये बिस्तर। दोस्तों हम भी तैयार हो चुके हैं, और अभी कुछ ही मिनटों में हम लोग निकलने वाले हैं। ये देख लेते हैं, ईयरफोन चार्जर वगैरह रख लेते हैं, सब बैग में पैक कर लेते हैं। चार्जर को रख लेते हैं उठा के बैग में, ये रख लिया चार्जर बैग में। दोस्तों अब हम चल रहे हैं, वो देखो गया ATM में पैसे निकालने का, वो अब से पैसे निकाल रहा है ATM से। ये देखो, ये खड़ा है, यहाँ से शुरुआत करते हैं चलने की। बाहर आ गए मार्केट में, इधर मीटर जीरो कर लेते हैं। कहाँ आ गया मीटर, कहाँ से जीरो होगा। जीरो ने इसमें 8,997 कितना है, 8,997 है। पूरा 150 किलोमीटर। अब वहाँ पे देखेंगे इसमें कितना चलेगा। जी 8,097 यहाँ पे है। रुक जा बैठ लें सही से, रुक जा। वाइलों का दिक्कत है, जनरेटर वाइलों पेट्रोल कोई दिक्कत।
दोस्तों अभी तक सिंगल लोड चल रही थी, अब आई है हाईवे। ओ धर्राटे कटे इस पे गाड़ी पे धर्राटे काटे। तुम दो बंदे को आज तेल दे रहे हैं, मतलब निकलने नहीं दोगे? दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं संडीला। ये संडीला पहुंच चुके हैं। ये दोस्तों संडीला है, पहुंच चुके हैं। गाड़ी कितनी चल चुकी है देखें ज़रा एक मिनट। गाड़ी का मीटर था 0.62 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है यहाँ पे। दोस्तों हरदोई आ चुके हैं। ये अमर जवान रहा था। ये दोस्तों हरदोई आ चुके हैं, रात हो चुकी है, इसीलिए जो है वीडियो नहीं बन पा रहा है। दोस्तों हम लोग हरदोई पहुंच चुके हैं और गाड़ी को थोड़ा रेस्ट देने के लिए रोकी है यहाँ पे, और अभी स्प्रिंग रोल यहाँ पे खा लें, उसके बाद से चलते हैं। अभी 40-50 मिनट लग जाएगा घर पहुँचने में हमको। रात हो चुकी है इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और हरदोई का नज़ारा है, ये हरदोई का नज़ारा है इधर। वीडियो शूट करने वाली भैया, चले रात मर जाएगा आराम। दोस्तों शाहबाद आ चुके, हमको मेन रोड से जाना था लेकिन हम लोगों ने शॉर्टकट ले लिया है, अंदर से जाना सिटी होके। हमारा 150 किलोमीटर का सफ़र पूरा होने वाला है, अभी आपको मीटर दिखाएंगे गाड़ी का। दोस्तों हम लोगों का 150 किलोमीटर का सफ़र पूरा।